तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, कैसे फाइल सेव करेंगे, ओपन करनी है कोई नई फाइल तो कैसे करेंगे। तो हमने एक स्लाइड ली है, ये इसके अंदर मैं कुछ अभी फिलहाल टाइप कर लेता हूँ। यहां पर मैं इसका सबटाइटल भी डाल देता हूं। तो ये मैंने इस पे लिख लिया है। मैंने बताया था कि कैसे हम यहाँ पर कोई डिजाइन अगर सेलेक्ट करना चाहें तो हम वो डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पावर पॉइंट के लिए, इस पीपीटी के लिए। तो यहां पर मैंने एक ये टेम्पलेट चूज कर लिया है। बेसिक एडिटिंग हमें पता है, जो हम वर्ड के अंदर करते हैं उस तरह की एडिटिंग हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, तो मैं यहां पर जो भी फॉन्ट लेना चाहता हूं मैं यहां पे वो फॉन्ट चूज कर सकता हूं। तो ये मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूं, और जो हमारे पास ये सबटाइटल था उसके लिए भी मैं ये चूज कर लेता हूं। उसके बाद हम चाहे तो यहां पर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहां पर इसे इंक्रीज कर लिया, और ये जो फॉन्ट साइज है इसे भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि यहां पर अभी इसे सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, जो इसका अलाइनमेंट है वो हम यहां से चेंज कर सकते हैं। जो सारी बेसिक जो हमारी एडिटिंग होती है वर्ड के अंदर, सेम वही एडिटिंग। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ये तो लेफ्ट में हो जाता है, अगर मैं सेंटर वाला करता हूँ तो ये सेंटर में हो जाता है। ऐसे ही मैं सेम इस टेक्स्ट के लिए भी कर सकता हूँ। इसे अगर मैं राइट में रखना चाहता हूँ तो राइट, सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर, लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो लेफ्ट में। तो हम इसे भी क्या करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो हम इसे सेलेक्ट करके और जो भी कलर करना चाहते हैं हम वो कलर कर सकते हैं। तो अगर हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एडिटिंग है जो कि हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब अगर मैं इसे कट करना चाहता हूं तो यहां पे हम कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हैं, और मैं एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूं। यहां पे जब मैं नई स्लाइड ऐड कर रहा हूं तो वहां पे भी हम देख सकते हैं हमें किस तरह की स्लाइड चाहिए, क्या मुझे कंटेंट चाहिए, दो चीजों का कंपैरिजन करना है, पिक्चर चाहिए, क्या चीज मुझे वहां पे चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं ये स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर टाइटल है, या फिर ये स्लाइड जिसके अंदर टाइटल और कंटेंट दोनों है। तो यहां पर ये एक नई स्लाइड आ जाती है। तो अब हम यहां से जो भी डेटा कट करना चाहते हैं उसे हम यहां से कट कर लेते हैं। तो कंट्रोल एक्स का हम यूज कर सकते हैं यहां से इसे कट करने के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन जो हम यहां यूज कर सकते हैं वो यहां क्लिप बोर्ड पे जाके यहां से कट कर सकते हैं। अगर हम यहां क्लिक करते हैं तो ये यहां से कट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एक्स हम यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर हम क्लिप बोर्ड पे जाकर भी यहां कट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कॉपी का। कोई भी टेक्स्ट अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे। कंट्रोल प्लस सी कर सकते हैं या फिर यहां से हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी और कट में हमारे पास डिफरेंस जो है वो इतना है, जब हम कट करते हैं तो जहां से हमने कट किया है वहां पर वो डेटा नहीं रहता, और जहां हम उसे पेस्ट करेंगे सिर्फ वहीं हमें वो डेटा मिल पाएगा। जबकि कॉपी के अंदर क्या होता है, उसकी एक और कॉपी जनरेट होती है, और जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा था वहां पे भी वो रहता है, और जहां पर हम उसे पेस्ट कर रहे हैं वो वहां पे भी रहता है। तो
तो हम कट करना चाहे कट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अपनी दूसरी स्लाइड पे जाके मैं इसे वहां पेस्ट कर देता हूं। तो जब हमें पेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी करते हैं। कंट्रोल प्लस वी करने से हमारा जो कंटेंट है वो पेस्ट हो जाता है जहां पे भी हमें उसे पेस्ट करना है वहां जाके। अभी मैं इसे यहां से डिलीट कर देता हूं। और हम क्या करते हैं, अब ये जो मेरी पूरी स्लाइड है, मैं इस पूरी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं और इस पूरी स्लाइड को कॉपी करके मैं यहां पे इसे पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पे ये देखिए, मैंने इस स्लाइड के यहां पर पेस्ट किया है। तो इस स्लाइड से जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरी, वो जो मैंने स्लाइड कॉपी करी थी, वो पूरी की पूरी स्लाइड कॉपी हो गई। तो अभी मैंने ये सिर्फ एक स्लाइड कॉपी की थी, मैं यहां से जितनी स्लाइड्स चाहूं उतनी कॉपी कर सकता हूं। सपोज अभी मेरे पास ये 3 स्लाइड्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, हमारे पास 4 एरो है, अप एरो, लेफ्ट, राइट और डाउन। डाउन एरो को 2 बार प्रेस किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये तीनों स्लाइड सेलेक्ट हो गई शिफ्ट के साथ। और हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने लास्ट स्लाइड पे रखा पॉइंटर और यहां पे आके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये तीनों स्लाइड फिर से मेरे पास क्या हो गई, कॉपी हो गई। तो मेरे पास टोटल स्लाइड जो हो गई वो 6 हो जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरी स्लाइड को भी कॉपी कर सकते हैं। हमने पहले भी अभी पढ़ा है कि अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम सेव कर सकते हैं या हम कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस करेंगे तब भी जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ये सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है सेव एज। हम सेव एज करके भी इसे फाइल को सेव कर सकते हैं। अब सेव में और सेव एज में क्या फर्क है, सपोज मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ और इसके अंदर कुछ एडिटिंग करता हूँ और एडिटिंग करने के बाद मैं उसे सेव एज कर देता हूँ और सेव एज करके किसी और नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो पुरानी फाइल है वो भी सेव है और जो नई फाइल है जो मैंने सेव एज करके दूसरे नाम से सेव की है, एडिटेड फाइल, मेरे पास वो भी रहेगी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेव और सेव एज दोनों पे हम काम करके देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन का। जब हमें कोई फाइल ओपन करनी है, सपोज मैंने कोई फाइल सेव की है, एबीसी या एक्सवाईजेड कोई फाइल है, वो मैंने सेव की है। अब उस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ओ के साथ हम कोई भी फाइल जो हमारे पास है हम उसे ओपन कर सकते हैं। कोई भी मेरे पास पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है उसे मैं ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास न्यू का। अब मैं किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे नई प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो मैं वहां पर न्यू का यूज करता हूँ। बाकी जो और ऑप्शन है इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमें पता चला कि कॉपी, कट, पेस्ट हम किस तरह से करेंगे, फाइल को हम सेव किस तरह से करेंगे, कैसे नई फाइल ओपन करेंगे, कैसे कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसे ओपन करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी हैं। अब हम अगर यहाँ से किसी स्लाइड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड कर सकते हैं, तो वो स्लाइड यहाँ से हट जाएगी। जो भी हमने यहाँ पर स्लाइड अभी ऐड की थी वो हटा देता हूँ मैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी स्लाइड्स हम हटाना चाहते हैं, जैसे हमने एक साथ पेस्ट की थी उसी तरह से हम सारी स्लाइड्स को सेलेक्ट करके जो जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं उन सारी स्लाइड्स को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ मैंने एरो की के साथ ये 3 स्लाइड्स को सेलेक्ट कर लिया और अब क्या करते हैं, हम इन्हें एक साथ डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास अब सिर्फ ये एक स्लाइड बचती है।